बच्चे कहाँ निकलने? ये भूत बहुत ही खतरनाक है, इस बार तो इसे किसी तरह भगा दिया हमने, लेकिन अगली बार ये क्या करेगी इसका हमें भी अंदाजा नहीं है। तो आप क्या करेंगे काली जी, आप भी बता दो। हमारी बात मानो तो जितना जल्दी हो सके सब लोग अपना गुनाह कबूल कर लो। सस्ते में छूट जाओगे वरना इसे संभालना मुश्किल है। ठीक तो कर लेंगे। कभी नहीं। इस औरत ने जीने हराम कर रखा है, कुछ मानने को तैयार ही नहीं। पता नहीं कहां से आ गई, मेरे पल्ले पड़ गए भगवान। बहुत मेहनत लगी है लॉर्ड कृष्णा, आई होप चारू मान जाए। मान ही जाएंगे अब तो। एक काम करती हूँ, जल्दी से ना फ्रेश हो जाती हूँ ताकि फिर नाश्ता भी तैयार कर सकूँ। अगस्त्य कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। नहाना ही पड़ेगा। दरवाजा लॉक करना कब सीखोगे? हाँ जब शादी से पहले नहीं किया तो अब कैसे कर दूं? ऐसा नहीं होता। ओके मेरा कमरा, मेरा घर, मेरी बीवी, यहाँ तो ऐसा ही होता है। अच्छा जी, ये जो नन्हे जी आ रहे हैं ना, ये कोई जादू से तो नहीं आ रहे? अब तो शर्माना छोड़ दो मेरी चश्मेश। अच्छा ठीक है, अभी तुम हटो, मुझे रेडी होना। चलो 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 जल्दी। बट अभी तो मैंने शावर भी नहीं लिया, और अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो कम साथ में नहाते। अरे क्या बोली जा रहे हो तुम प्लीज जल्दी से हटो, मुझे उसके बाद ब्रेकफास्ट भी तैयार करना। चलो चलो जल्दी से जाओ, जाओ घर से, जल्दी जाओ प्लीज। गए ना? हाँ कब का परेशान करते हम। मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ बोलो ना कि अगस्त तुम। तो कुछ मैंने जब अरे काम करो, तुम ही ना आओ और वो भी अकेले। हमारी बच्ची की आहट पहचानते हैं हम। तेरे आने से पहले ही समझ गए थे कि तू आने वाली है। अब बैठ। क्या हालत बना रखी है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। और ये क्या, अभी तक रेडी नहीं हुई? आपको पता है ना मामा, वो अगस्त मुझे रूम से नहीं निकलने दे रहा था, इतना जिद। अब तुम दोनों का प्यार हमेशा बरकरार रहे, इसलिए उन चारों को अपना गुनाह कबूल करवा कर ही रहेंगे। पर इतने ढीठ है ना, इतने थप्पड़ खाकर भी चुप बैठे हैं। पर चाहे कुछ भी हो जाए, उनसे उनका गुनाह तो कबूल करवाना ही पड़ेगा। लगता है प्लान बी एक्टिवेट करने का टाइम आ गया। मतलब डांस पार्टी? अरे वाह धीरे धीरे मम्मी के अतरंगी तरीके सीख गई हो तुम। और क्या, अब देखना झूठी, तुम्हारे ससुराल वालों को नजवा नजवा के उनका आंगन टेढ़ा ना कर दिया ना, हमारा नाम भी कुर्तन है। अगस्त्य
क्या करूं मैं यार, अपने परिवार को तो ठीक कर नहीं पा रहा मैं, कम से कम ये चोट मुझे उनके दर्द का एहसास तो करवाएगी। यू नो व्हाट, ना मैं एक अच्छा पति हूं और ना ही एक अच्छा बेटा, अब ब्लडी वर्थलेस, एकदम बेकार हूं मैं। प्लीज कहीं अगस्तिन, तो तू प्लीज खुद को दोष मत दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यू नो व्हाट गुड, पापा के जाने के बाद ना माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, ना कभी उनकी कमी महसूस होने दी और ना ही कभी खुद टूटी है वो। इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनको इस हालत में देख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार। मैं नहीं देख सकता उनको, ये बिजनेस, ये पैसा, ये रेपुटेशन। और यू नो व्हाट, अगर पूरे इंदौर में बिरला खानदान का नाम इज्जत से लिया जाता है ना, तो वो सिर्फ माँ की वजह से। उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं यार, उनके लिए उनका परिवार आगे बढ़े, एक वारिस हो। यहां तक यार सोसाइटी के प्रेशर में आकर भी ना उन्होंने तुम्हें हर्ट करने के बारे में भी नहीं सोचा, और मुझे देखो, एक लाचार इंसान की तरह खड़े होकर तमाशा देख रहा हूं मैं। मेरी मां अंदर इस हालत में पड़ी है यार, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना गुड्डा, तो आई डोंट नो मैं क्या करूंगा। कष्टी सासू मां से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, डर लगता है उस दिन के बारे में सोचकर जिस दिन उसे पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। छुट्टी के साथ हम लोगों ने जो भी किया ना, उसी का फल है ये। शायद आप सही कह रही हैं। एक्टिंग का डिपार्टमेंट तो हमारा है ना, हमारी डियर समधन जी, तो आपका ये नाटक तो नहीं चलेगा हमारे सामने। बेहोशी का ड्रामा करके आपने इन तीनों को जो अपना जुर्म कबूल करने से रोक लिया है ना, अब हम बाजी पलटेंगे। उसमें आपको खुद उठकर खड़े होने पर मजबूर ना किया ना, तो हमारा नाम भी कुट्टन है। पुष्पा जी, जब आप जैसी खूंखार औरत यूं अधमरी हालत में पड़ी रहेंगी तो हम गरीबों का क्या होगा। जल्दी से ठीक हो जाइए ना। हाथा खतरनाक है, कहा था ना किसी ने नहीं सुनी हमारी। अरे ठीक हो जाइए ना जल्दी से। खड़ूस से खड़ूस इंसान भी खुद ही बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपका बेटा अकेले रो रहा है, हम आपको हंसा हंसा कर ठीक करेंगे। चीची, अरे आपको इतनी जल्दी टपक नहीं था तो कम से कम पावर ऑफ अटर्नी तो नाम कर जाती हमारे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बिजनेस जो हम कैसे अकेले संभालेंगे, हमें ये समझ नहीं आ रही है। सोना के हाथ सोना तो ना लगा, पर चिच्ची की यादें तो है ना। सोना जी, देखिए ना सब परेशान हो रहे हैं, उठिए। जीजी को होश आ गया हमारे, ये जादू हो गया। माँ को होश आ गया, माँ आप ठीक हो? आपको पता है कितना डर गया था मैं, अभी ठीक फील कर रही है ना आप? हम ठीक है चिको। आज के बाद ना बिजनेस और घर मैं हैंडल कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप रेस्ट कीजिए।
घर और बिजनेस नहीं, उस गुड्डन का भूत है हमारी असली परेशानी। उसे कौन कैसे हैंडल करेगा वो नहीं समझ पा रहे हैं हम। अब आई बारी सारा सच बाहर लाने की। अभी नहीं, मेरी खातिर। मम्मी जी क्या कर रहे हैं? कहा ना हमने कोई नहीं है। वो तो अभी पता चल जाएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो तुम मामा किसे बोली? हाँ वही तो मैं आपको कह रही थी, आपको रोकने की कोशिश कर रही थी। वो शायद मुझे लगा बिल्ली होगी और कहीं पंजाना मार दे, डर लगता है ना। हम थोड़ा घबरा गए थे। एक ग्लास पानी पिला दो। हाँ। मम्मी जी बस अब ये भूत से छुटकारा मिल जाए तो थोड़ा चैन आए। मम्मा छोटी, बाप रे बच गए आज तो। वरना यंगेस्ट सास तो पकड़ी जाती तेरी इस विलेन सास से। छोटी एक काम करना, तू जाकर आराम कर ले, वरना फिर कोई आ जाएगा। छोटी को भेज दिया, वरना देखती तो बेकार में परेशान हो जाती। बुरा सोचती हूँ, छोड़ेंगे नहीं उस पुष्पा रानी को। लाइए। अगर आप मेरी मम्मा है ना, तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। आपके बिना कुछ कहे बिना बताए तकलीफ समझ जाती हूँ। सही कहती हैं आयुष जी, मैं हमेशा से आपके लिए तकलीफ ही रही हूँ ना। छोटे होते हुए भी इतनी बड़ी तकलीफ बनकर आई, और अभी भी मेरी वजह से कितनी तकलीफें सहने। आज के बाद दोबारा ऐसी बात कभी मत करना बेटा। तुम गुरूर हो हमारा,
और कोई तकलीफ वकलीफ बन के नहीं आई हो तुम हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो तुम। आज के बाद ये बात हमेशा याद रखना और ये बेफिजूल की बातें दोबारा मत करना मेरा बच्चा। अब ये रोने धोने के दिन गए, अब तुम्हारे बर्थडे पर सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा। क्या कर क्या रही हो तुम? तुमने शराब पी है? नहीं। माँ ठीक तो है ना? हम ठीक है चिकू, तुम गुड्डन को संभालो। देखा तुमने, माँ की तबीयत खराब है लेकिन उन्हें फिर भी तुम्हारी फिक्र है, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो उनके साथ। Have you lost it? कम से कम ये तो सोच लेती कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या जरूरत थी इस हालत में ये सब करने की? हाँ जवाब दो। चिकू तू बहू को संभाल, मैं नींबू पानी लेके आती हूँ, रुक। अपनी हालत देखो गुड्डन, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगस्त्य आराम से बात करो। लेकिन माँ ये अगस्त्य कुछ भी मत बोलो अभी प्लीज। गुड्डन अभी कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं है। देखा तुमने, तुम्हारी इतनी इंसल्ट करने के बाद भी माँ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। चिकू बताओ क्या जरूरत थी ये सब करने की गुड्डन? हाँ जवाब दो। चिकू शांत, इतनी जोर से मत चिल्लाओ, छोड़ो उसे, वो होश में नहीं है। लो पानी पियो, पानी पियो।
मैंने पकड़ी से वो। अब तो ठीक हो ना तुम? बात कर सकती हो, जवाब भी दे सकती हो, राइट? जस्ट टेल मी, क्यों किया ये सब? तुम्हें पता है मैं माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता। कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती नहीं। गुड्डन, क्यों किया ये सब? जवाब दो, बोलो। क्यों जवाब दो आज? आज तो मम्मी जी जवाब देंगे ना। क्या लगा गुड्डन, इतनी आसानी से हमारे बेटे को हमसे छीन लोगी? अब तुम्हारी अतरंगी माँ के अतरंगी रूप दिखाकर हम अगस्त्यो को ये विश्वास दिला देंगे कि ये सब काम तुम्हारे ही किए गए हैं। तुम्हारी मानसिक हालत खराब है, तुम्हारी माँ जिंदा है, ये बात तुम्हारे और हमारे अलावा और किसी को नहीं मालूम। और इसी बात का फायदा उठाकर अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, बस देखती जाओ। और अभी उसने हमारे साथ जो कुछ भी नीचे किया वो तो तुमने देख ही लिया अगस्त्या। हम इसी हालत की बात कर रहे थे। गुड्डन ठीक नहीं है। ये तो वही विगर चश्मे हैं जो मम्मी ने काली के रूप में पहने थे। ये यहाँ कैसे है? मम्मा! हाँ चली गई यार। मम्मा! करी जाऊंगी। मम्मा! अगस्त हम चाह कर भी चुप नहीं बैठ सकते थे बेटा। तुम्हारे लिए सच जानना बहुत जरूरी था। अब तुम देख लो तुम्हें जो भी करना है। हमने हमारे सास होने का धर्म निभाया है। उसकी उठपटांग बातें, उसकी मनगढ़ंत कहानियां सब हमने स्वीकार कर ली सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे बेटे का घर बसा रहे। तुम उससे प्यार करते हो चिको, और हम तुमसे। पुत्र मोह में एक माँ कुछ भी कर सकती है बेटा। मतलब मेरी गुड्डन, तुम्हारी गुड्डन का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। शायद उसी दिन जब वो सीढ़ियों से गिर गई थी, बच्चा तो बच गया, लेकिन गुड्डन की दिमागी हालत बिगड़ गई बेटा। और बेटा, अगर हमने अभी जो कुछ भी नीचे कहा वो अगर नहीं बोला होता तो गुड्डन शायद अपने आप को और बच्चे को नुकसान पहुंचा देती। शायद दिवाली के दिन उसे जो भी सच पता चला है उसके बाद उसने हमें माफ नहीं किया।
लेकिन हम उसे भी तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना बेटा, उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या कर रही है। दुख तो इस बात का है अगस्त्य कि हमने नीचे जो कुछ भी झूठ कहा उसे तुमने सच मान लिया। एक बार भी पलटकर सवाल नहीं किया, एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि हमने जो कुछ भी कहा है वो सच है भी या नहीं। अरे पोते के मुंह में ही तो हमारी सांसें चल रही है अगस्त्य, और हम उसे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार पूछ तो लेना था बेटा। अगस्त्य, क्या यही यकीन रह गया है हमारे इस माँ बेटे के रिश्ते का? बोलो अगस्त्य, हम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है तुम्हें? I'm sorry, मा। I'm really sorry. ये सब क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मां। ये वीडियो, ये गुड्डन की ये हालत, I'm sorry मां।